आइए सुनते हैं इस महामानव के कुछ अनमोल वचन। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। भाग्य में नहीं अपनी शक्ति में विश्वास रखो। हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो, पर विकास के लिए यह जरूरी है। आप स्वाद को बदल सकते हैं, पर जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे खराब किस्म की बीमारी है। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग है, क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जातिविहीन करना होगा। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पानी की बूंद जब सागर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है। इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है। वो सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाएंगे और मर जाएंगे। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो हार निश्चित है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताते हैं, धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है।
कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूं। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए।